29 जनवरी को जबलपुर के थाना रांझी के अंतर्गत आने वाले शारदा नगर पार्क में एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि मृतक समलैंगिक था और संबंध बनाने के लिए अपने दोस्त पर दबाव डालता था। इसके लिए वह पूर्व में संबंध बनाने के दौरान बनाए गए वीडियो को वायरल करने की धमकी देता था और इसी से तंग आकर मृतक के दोस्त ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र के शारदा नगर इलाके में TI बंगले के सामने बने गार्डन में शनिवार की सुबह एक युवक की रक्त रंजित हालत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान COD बंगला नंबर 2 सर्वेंट क्वार्टर निवासी देवीबेन के रूप में की गई है। करीब 4 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। TI परस्ते के अनुसार मुख्य आरोपी शेरा उर्फ विनोद ने बताया कि उसके देवीबेन के साथ समलैंगिक संबंध थे और इसी दौरान देवीबेन ने उसका एक आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर देवी हमेशा उसे ब्लैकमेल करता था और शेरा ने यह बात अपने दोस्त शुभम पटेल को बताई, जिसके बाद दोनों ने उससे बदला लेने का प्लान बनाया और पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। चलते जो है असली वीडियो वगैरह उसका बना लिया था और जब उसके द्वारा ये भी बोला गया था कि यदि तुम मेरा कहा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे मोहल्ले में इस वीडियो को वायरल करके बदनाम कर दूंगा। इससे परेशान होकर जो आरोपी है उसने जो अपने साथी शुभम की मदद दे करके कल शाम को शराब वराब पीने का प्लान बनाया और उसको फ़ोन से बुला करके रात्रि करीबन 8 बजे के आसपास उसको शारदा नगर के पार्क में लेकर गए। वहाँ पर शराब वगैरह खाया पिया और उसी दौरान जो पूर्व से समलैंगिक से परेशान होकर संबंधी बात थी उस पर वाद विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते जो है मृतक देवीबेन जो वापस आने लगा था तो रास्ते में उसको वहीं पर पार्क में धक्का दिया, जो गिर गया। मृतक के गिरने के बाद दोनों ने उसे पत्थर से सिर में पटक कर उसकी हत्या कर दी। अब दोनों अगर हम इसे तलाश करते हुए पुलिस अपेक्षा में ले लिया गया है और जिन्हें कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। फिलहाल पुलिस ने युवक के अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर जहां राहत की सांस ली है तो वहीं समलैंगिक संबंध को लेकर की गई हत्या नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।